मुंबई के सरकारी अस्पताल राजावाड़ी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक आईसीयू में भर्ती पेशेंट की आंख के नीचे वाले हिस्से को चूहे ने कुतर दिया, जिसके बाद से महानगर पालिका लोगों के निशाने पर है। अब इस हादसे पर बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान भी सामने आया है। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मरीज की बहन यहाँ है, मरीज बेहोश है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आंख नहीं कुतोरी गई है, सिर्फ ऊपर की चमड़ी निकाली है। ध्यान में आने के बाद डॉक्टर आए, मरीज की स्थिति खराब है, आईसीयू वार्ड पूरी तरीके से पैक है और चूहे आने का कोई चांस ही नहीं है। मुळामध्ये डोळे कुरतडले असं नाहीये। मी त्यांच्या नातेवाईकांशी सुद्धा बोलली, त्याची बहीण ही माझ्या म्हणजे बोलली माझ्याशी, सुपरफिशियल जी स्किन आहे ती नक्की निघालेली आहे आणि लगेच ज्या वेळेला लक्षात आल्यानंतर तिथले ऑप्थाल्मिक जे डॉक्टर आहेत त्यांना बोलवलं, त्यांच्याकडनं तपासून घेतलं। एकंदर पेशंटची कंडिशन खरंच बॅड आहे आणि त्या वॉर्डची पाहणी केल्यानंतर 100% सगळीकडनं पॅक आहे वॉर्ड, की जेणेकरून कुठूनही उंदीर येण्याची चान्सेस नाही। अर्थात आज आपण या येथे येताना अनेक गोष्टी बघितल्या किंवा लक्षात पण आल्या की हा जो हॉस्पिटल आहे एक मध्य साच्यामध्ये आहे, ठिकठिकाणी कामं चालू आहे, त्याचप्रमाणे काही आमच्या वॉर्डचंच काही वस्तू जी ज्याला आपण भंगार म्हणतो तेही तिथेच आहे। बऱ्याच ठिकाणी तळालाच असल्यामुळे विजिटर्सचे बेंचेस वगैरे सगळे, त्यामुळे उंदीर आतमध्ये कसा आला यापेक्षा असं होणं गरजेचं नाही, ते व्हायलाच नाही पाहिजे। आणि म्हणूनच माझ्यासोबत आमदार लांडे मामा स्वतः आहेत, विभाग प्रमुख राऊत साहेब आहेत, प्रभाग समिती आमच्या अध्यक्ष मोरेताई आहेत, त्या रिलेटिव्हची बहीण जी स्वतः पेशंटची केअर करण्याचंच काम करते, त्यामुळे तिच्याशी बोलताना म्हणजे एक लक्षात आलं की पेशंट अनकॉन्शियस आहेच, म्हणजे मला आमच्या डीननी पण सांगितलं, आणि अशा गोष्टी घडू नये। कारण हे ज्यावेळेला आयसीयू म्हणा, लहान मुलांचं न्यूनिटी वॉर्ड म्हणा किंवा लहान मुलांचं आयसीयू, अशामध्ये ज्यावेळेला उंदीर येऊ शकतो किंवा आपण त्याच्यावर आता एक चांगला विचारही करतो। आमचे बॉर्ड ऑफिसर आंबी साहेब स्वतः इथे आता आलेले आहेत। उन्होंने आगे कहा की अस्पताल में जगह जगह काम शुरू है, भंगार यहाँ है, जमीन से चूहा अंदर वार्ड में आने का कोई चांस ही नहीं है, यह ठीक नहीं हुआ। रेड किलर प्रत्येक अस्पताल में होना चाहिए, हम इन चूहों को घर में काटते देखते हैं, अस्पताल में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे पास इस बारे में एक अच्छा विचार है, सहायक आयुक्त यहाँ है, चूहा मारने वाली टीम यहाँ है, मैं इस बारे में एक पत्र दूंगी। कोना कोना पैक है, यहाँ से चूहा आने की संभावना नहीं है, लापरवाही निश्चित रूप से नहीं हुई, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, अस्पताल में ऐसा होना गलत है। सभी जगह रिपेयरिंग का काम चलने के कारण यहाँ वहाँ चूहे देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी बात है कि कल ही उसका पूरा जो कामकाज था लीगली वो कम्प्लीट हुआ है, आज से ही कामकाज चालू होने वाला था, लेकिन मुझे लगता है आज शाम को या कल सुबह से वो पूरा भंगार है वो उठाया जाएगा। इधर रिपेयर भी बहुत ही बड़ा चालू है आजू बाजू में भी और हॉस्पिटल का भी, तो थोड़ा सा असुविधा है, लेकिन अंदर जिस तरह पेशेंट का वार्ड है, पेशेंट का आईसीयू, वो सही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।